गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तो सब मेरे लिए दुआ करना कि मेरा एग्जाम चल रहा है अभी। तो तुम लोगों को आज एक बात बोलना है कि बहुत मतलब लोग मेरे को मतलब लड़का लोग मतलब बहुत जितना लोग मतलब बाहर रहते हैं, चेन्नई बेंगलुरु गाँव पर रहता है, जहाँ पर भी रहता है, सब लोग मेरे को DM करके बोलता है कि राहुल भाई एक लड़की का नंबर दे दो। तो मैंने दो लड़कों का नंबर दिया है लड़की का। तो नंबर देने के बाद उन लोग मेरे को कॉल करके बोलता है राहुल तू ये सब क्या कर रहा है, तू हम लोगों का नंबर क्यों लोगों को दे रहा है। तो उन लोग गाली देता है मेरे को कॉल करके, तो ऐसा मत पूछो तुम लोग। तो आज मैं तुम लोगों को एक ऐप शेयर करने वाला हूँ, तो ऐप से तुम लोग मतलब कॉल करके बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, नंबर भी लग सकते हो, एकदम फ्री है। तो मैंने प्ले स्टोर, अगर तुम लोग बोलोगे तुम क्यों दे रहे हो, हम तो प्ले स्टोर पर जाके ले सकते हैं ना, तो तुम तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको पेमेंट भी देना पड़ता है, तो मैंने ऑलरेडी पेमेंट भी दे दिया है उस ऐप का। तो मैंने वहाँ पे लिंक मिल जाएगा तुम लोगों को। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तुम लोग तो फेसबुक का जो ऊपर है ना, वो ऊपर मतलब प्रोफाइल का नीचे मतलब एक लिंक मैंने दे दिया है लिंक। और मतलब यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो नीचे भी लिंक मिल जाएगा तुम लोगों को। तो वहाँ पे बैठ तुम लोग बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, नंबर लेके पूरा एकदम सब कुछ कर सकते हो। तो ऐसे मेरे को मत कहो कि राहुल भाई लड़की का नंबर दे दो, तो समझ रहे हो ना तुम लोग। तो यही होगा, और मुझे भी पता है तुम लोग तो बहुत प्यार करते हो, मैं भी तो करता हूँ ना तुम लोगों को प्यार। तो नंबर क्यों नहीं था अगर मेरे, अगर देने के बाद गाली तक सुनना पड़ता है, इसलिए तो नहीं देता हूँ ना मैं। तो मैंने ऐप्स दे दिया है, उस पर जाकर तुम लोग वीडियो कॉल करो, नंबर डालो उस ऐप का, तो वीडियो कॉल करो, ऑडियो कॉल करो, जो करना है तुम लोग कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी नंबर बहुत लिया है, मेरे चैनल का सब्सक्राइब भी गिन किया है, तो सब कुछ किया है मैंने। तो तुम लोग जाके बंद कर सकते हो। और लोग कहते हैं कि राहुल तुम तो रील्स बनाते हो, आप पहले जितना अच्छा होता आप उतना अच्छा नहीं होता है रील्स। तो मुझे क्या पता, कर रहा हूँ ना मैं अच्छा अच्छा रील्स भी कर रहा हूँ, तो एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए तो रील्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो रील्स करूँगा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी रील्स करूँगा। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी रील्स करूँगा, उसके बाद भी रमजान आ जाएगा तो भी रील्स नहीं कर पाऊँगा, तो ईद का बाद भी रील्स बनाना पड़ेगा। तो तुम लोग बोलोगे कि तुम दो दिन बंगाली और दो दिन हिंदी से ब्लॉग क्यों शूट करते हो, तो मैं बताऊँ, मैं मुझे ना उतना ज़्यादा हिंदी बोलना नहीं आता है, तो लोग मेरे को मजाक बना उड़ाता है जो मैं हिंदी से बात करता हूँ। तो मेरे को भाई उतना ज़्यादा हिंदी बोलना नहीं आता है मेरे को, क्या बोल। तो बंगाली से क्यों ब्लॉग में अच्छा लगता है, बट तो मेरे जो हिंदी मतलब इंस्टाग्राम पे जितना लोग फ्रेंड रहता है ना, मतलब बाहर बाहर जितना फ्रेंड रहता है, वो लोग बंगाली समझ में नहीं आता है, तो बोलता है तुम कौन सा ब्लॉग करते हो, हम लोगों को समझ में नहीं आता है, तो हिंदी ब्लॉग करो। इसलिए हिंदी ब्लॉग करने में ये होता है कि जो हिंदी लोग वो भी समझ जाता है, जो बंगाली हो तो हिंदी भी समझ जाता है, अच्छी बात है ये। तो इसलिए मैं मतलब आज से बंगाली ब्लॉग नहीं करूँगा, हिंदी करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो बाय, सब अच्छा है ना, खुदा हाफ़िज़।